हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका जाना पहचाना होस्ट सिंधु स्टॉक्स दीपक अडवाणी और मैं मेरे चैनल होम्योपैथिक वाइंस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब लोग भलीभांति रूप से परिचित हैं कि मैं आप लोगों के लिए डे बाय डे न्यू वीडियोस पब्लिश करता हूं रिगार्डिंग होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, आपको जानकारी देता हूं, होम्योपैथिक डिजीज के बारे में भी विस्तार से बताता हूं। तो आज इसी चेन को मेंटेन रखते हुए एक और बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन एलेट्रिस फास्सिनोसा, जो कि एक फीमेल बेस होम्योपैथिक मेडिसिन है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही लाभकारी और गुणकारी औषधि है होम्योपैथिक मेडिकल सिस्टम के अंदर। तो इस बारे में मैं पूरी आपको विस्तार से जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूं इस वीडियो में। ध्यान से आप सुनते रहिएगा, देखते रहिएगा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज एक लाइक एंड शेयर बिल्कुल कीजिएगा, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जो महत्वपूर्ण जानकारी है रिगार्डिंग होम्योपैथिक मेडिसिन एंड डिजीज के, वो आपको केवल होम्योपैथिक वाइंस पर ही अवेलेबल हो पाती है। सब्सक्राइब करने के लिए आपकी स्क्रीन के राइट साइड में सब्सक्राइब लिखा हुआ है कैपिटल लेटर्स में, वहां पर आपको पुश करना है और एक उसके बाद बेल आइकन है, घंटी का आइकन दिया हुआ, वहां पर भी प्रेस करके ऑल का नोटिफिकेशन दबाइएगा, ताकि जो भी मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियोज होंगे उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा और आप अच्छी अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सब्सक्राइब करके आप पूरी जो प्लेलिस्ट है वो भी चेक कर सकते हैं होम्योपैथिक वाइंस की, प्रीवियस वीडियोस बने हुए हैं, काफी बेनिफिशियल हैं डिजीज एंड मेडिसिन के रिगार्डिंग, वो भी आप चेकआउट कीजिएगा। तो चलिए हम बात कर लेते हैं आज एलेट्रिस फास्सिनोसा, होम्योपैथिक मेडिसिन है फीमेल, जैसा कि मैंने बताया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड उसके लिए बहुत ही उपयोगी लाभकारी मेडिसिन है, तो मैं पूरी विस्तार से जानकारी देने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा, ये भी एक प्लांट सबस्टेंस या प्लांट हर्ब होती है, साउथ ईस्टर्न यूरोप में पाया जाने वाला एक प्लांट होता है, डेसीडियस प्लांट होता है, स्मॉल डेसीडियस प्लांट कह सकते हैं, छोटा ज्यादा आकार में ये बड़ा नहीं होता है एलेट्रिस फास्सिनोसा का पौधा। इसका जो टेस्ट की बात करें थोड़ा सा स्टार्ची टेस्ट होगा, कभी थोड़ा सा स्वीटिश और बिटर टाइप का इसका जो फूल होता है या फ्रूट होता है उसका थोड़ा सा आपको टेस्ट देखने को मिलेगा। इसके अंदर स्टीरेडॉल सेपोनिन्स नामक एक एल्केलॉइड पाया जाता है, जो कि इसको एज अ मेडिसिनल प्रॉपर्टी प्रदान करता है, एक तरह का बिटर वॉलेटाइल ऑयल के रूप में वो इसके अंदर पाया जाता है, जिसकी वजह से इसकी जो होम्योपैथिक मेडिसिन की क्वालिटी है वो बरकरार रहती है, मेंटेन रहती है। और होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू बात करूं तो हम अपने क्लिनिक पे यूज करते हैं इसका मदर टिंचर, और मदर टिंचर जो लोअर पोटेंसी में होता है यही जल्दी इफेक्ट करता है आपकी किसी भी सिम्टम को रिजॉल्व करने के लिए। तो होम्योपैथिक मदर टिंचर बनाने के लिए इसके जो फूल के अंदर पाए जाने वाले राइजोम्स होते हैं वो यूज किए जाते हैं, और इसकी जो जड़ें हैं रूट्स वो इस्तेमाल की जाती हैं फार्मास्यूटिकल कंपनीज के द्वारा, उसके बाद ही इसका होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू मदर टिंचर तैयार किया जाता है। तो ये हुई एलेट्रिस फास्सिनोसा के बारे में कुछ कॉमन जानकारी। अब मैं आपको बता देता हूं कि किस तरह से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर एक्ट करती है, बहुत ही बेनिफिशियल साबित होती है। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि यूट्राइन फाइब्रॉइड आपने सुना होगा, यूट्राइन फाइब्रॉइड बच्चेदानी में गांठ हो गई हो, प्रोलैप्स की कंडीशन हो गई हो, क्लोरोटिक गर्ल्स हो या जिसे कहते हैं एनिमिक गर्ल्स हो, खून की कमी हो रही हो और मेंसेस डिस्टर्ब चल रहे हो, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही हो, इन सभी चीजों के अंदर एलेट्रिस फास्सिनोसा का बहुत ही अच्छा रोल आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा कैसे। सबसे पहले आपसे बात करना चाहूंगा यूट्राइन फाइब्रॉइड के अंदर बच्चेदानी में अगर गांठ हो जाती है तो वहां पर उसको रिजॉल्व करने में या उसको ठीक करने में, क्योंकि फाइब्रॉइड के अंदर ऐसे कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं पेशेंट के अंदर कि ल्यूकोरिया वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होने लगती है पेशेंट को, मेंसेस डिस्टर्ब हो जाते हैं, आगे पीछे आने लगते हैं, काफी हैवी ब्लीडिंग हो जाती है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है उसके अंदर ब्लीडिंग ज्यादा हो जाने के कारण एनीमिया हो जाता है, खून की कमी हो जाती है फीमेल पेशेंट के अंदर, और प्रोलैप्स की जो कंडीशन होती है बल्जिंग आउट हो जाता है, यूट्रस भी कभी कभी बाहर की साइड में प्रोट्रूड आउट होने लग जाता है, बाहर आने लग जाता है। इन सभी को मद्देनजर रखते हुए, इन सभी सिम्टम्स को ध्यान में रखते हुए एलेट्रिस फास्सिनोसा एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसका कि बहुत ही बढ़िया रोल देखा गया है। मैं मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस की बात करूं तो पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करवाने के बाद, अल्ट्रासाउंड करवाने के बाद अगर ऐसी कंडीशन आपके सामने आती है तो बिल्कुल आप एलेट्रिस फास्सिनोसा अपने होम्योपैथिक फिजिशियन की गाइडेंस में यूज कर सकते हैं। 10 से 15 बूंदे एक चौथाई कप पानी में रेगुलर बेसिस पे आप कम से कम 1.5 से 2 महीना लेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। दूसरी ये चीज बताना चाहूंगा, जैसे कि ल्यूकोरिया भी
के अंदर भी बहुत अच्छा रोल देखा गया एलेट्रिस फारसी नुस्खा का, वाइट डिस्चार्ज के अंदर भी ये एज ए कॉम्बिनेशन के रूप में आप मदर टीचर दें या सिंगल मेडिसिन के रूप में भी यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि उसकी वजह से पेशेंट के अंदर मस्कुलर वीकनेस आने लग जाती है, इंग्वाइनल रीजन जो होता है नाभि के नीचे वाला जो पोर्शन होता है वहां पर क्रैम्पिंग पेन होने लगता है, बहुत ज्यादा पेशेंट को दर्द महसूस होता है, मरोड़े लगने लगते हैं, काफ मसल जो पिंडलियां होती हैं पेशेंट की वहां पर एक्सट्रीमिटीज लोअर एक्सट्रीमिटीज में पेन होता है, और कमर दर्द भी इतना हो जाता है, पेलनेस हो जाती है पूरी बॉडी में, और खून की कमी जैसे कि एनीमिया मैंने बताया वो भी कंडीशन सामने आती है। तो यहां पर भी एलेट्रिस फारसी नुस्खा का एज अ ल्यूकोरियल कंप्लेन या वाइट डिस्चार्ज या श्वेत प्रदर के रूप में बहुत ही अच्छा रोल देखा गया है। उसके बाद आपको बताना चाहूंगा प्रोलैप्स, जैसे कि मैंने बात की यूट्रस बल्जिंग आउट होने लगता है, फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री थर्ड डिग्री बाहर आने लगता है, तो प्रोलैप्स की कंडीशन में भी एलेट्रिस फारसी नुस्खा का अच्छा रोल देखा गया। बट ये जो भी चीज है अब एक बार अपने होम्योपैथिक फिजिशियन से कंसल्ट करके ले तो उसमें बेहतरीन रोल देखा गया। एनीमिया की बात की, क्योंकि मेंसेस डिस्टर्ब होने के कारण या प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होने के कारण, ज्यादा ब्लीडिंग होने के कारण मेंसेस टाइम पे, तो वहां पर एनीमिक टाइप कंडीशन डेवलप हो जाती है, खून की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, तो वहां पर तो आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं। मैं एश्योरेंस देता हूं कि एनीमिक कंडीशन में एलेट्रिस फारसी नुस्खा का बहुत अच्छा रोल देखा गया है। इस बारे में आपको किसी भी प्रकार से या किसी भी तरह की जानकारी चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरा ईमेल आईडी और अदर लिंक्स दिए हैं, वहां पर भी आप अपनी डिजीज के रिगार्डिंग प्रॉपर कंसल्टेशन ले सकते हैं। जुड़े रहिएगा मेरे साथ होम्योपैथिक वाइंस पर नेक्स्ट वीडियोज के लिए। बताइएगा कैसा लगा आपको ये मेरा वीडियो, लाइक एंड शेयर बिल्कुल कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूंगा मैं आप लोगों से, थैंक यू, धन्यवाद।